स्कूटी से मुझे छोड़ने जा रही है। मैं आया था तो सर रैपिडो से और अब जा रहे हैं हम लोग इधर से स्कूटी से। कितना लंबा लंबा बाल हो गया है इसका। जैसे मेरा चेकबुक फटा है ना वैसे हम कुछ और भी फाड़ सकते हैं, समझे? क्या फाड़ सकते हैं बताइए तो जरा। क्या फाड़ सकते हैं? बिल्लों पके बिल्ली यहाँ तक की करेंगी बोलिए। क्या करेंगी? वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। किसको नहीं पता है बिल्लों पके बिल्ली यहाँ तक की करेंगी। गाना नहीं सुना है? सुना है क्या? उनको पता नहीं है गाना। मुझे भी नहीं पता है क्या होता है। कल मैं कहीं देख रहा था एक जो होता है ना वो स्टोरी क्या बोलते उसको, रील में मतलब उसमें दिखाया मतलब बोल रहा था बिल्लू बग्गे बिल्लिया था की करेगी तो उसने कुछ जवाब दिया था लेकिन वो जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। बाकी जिन्होंने रील देखा होगा उनको पता होगा। तो अभी मैडम के डिमांड पे जा रहे हैं स्कूटी से, मुझे छोड़ने जा रही है। मैं आया था तो सर रैपिडो से और अब जा रहे हैं हम लोग इधर से स्कूटी से। चिंता ये है कहीं हमको छोड़ने वाले छिटा ना जाए कहीं। निकाल लीजिए पहले। निकाल लीजिएगा ऐसे ही निकाल लेंगे तो। जैसे भी निकालना निकालिए। उधर कहाँ सामने जाइए। हेलमेट आ गया। लाइट जलते रहता है क्या? हाँ हाँ क्या हुआ? आज तनिषा को स्कूल से लेकर आया हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे सलून में हेयर वॉश और कटिंग के लिए। मम्मा उसकी बैठी हुई है तो पर्दे के पीछे पता नहीं क्या कर रही है। मैं इसको बाहर यहाँ बैठाया हूँ ताकि इसका अभी वॉशिंग होगा हेयर, उसके बाद से कटिंग भी कराना है। कितना लंबा लंबा बाल हो गया है इसका। तो रूट वगैरह सब साफ कीजिएगा ना इसका अच्छा से। मजा आ रहा है तनु मुंह बंद करो। ठीक से बैठ सकते हो। मैडम निकली कहाँ से? क्या क्या करवाएंगे आप? यहाँ मेरी गाड़ी यहाँ धुल रही है। अब पॉलिश वॉलिश करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। अब ये जो है खतरों का खिलाड़ी अकेले स्कूटी यहाँ से लेके जाएगी। पहुँच जाएगी ना घर पे? नहीं पहुँचेंगे तो बाल आ गया आपका, पीछे नहीं किया जा रहा है बाल। चलिए बाय। जो है मैडम देखिए अकेले चला के जा रही है स्कूटी। सही बात है, कभी तो देना पड़ेगा ना अकेले, तभी वो सीखेगी, डर खत्म होगा मन का। स्कूटी तो चला लेती हूँ मम्मा, सीख तो गई है लेकिन। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। मेरे हाथ में फटा हुआ चेकबुक है जो कि ये फाड़ी है। ए क्यों फाड़े जी मेरा चेकबुक आप? तो जैसे मेरा चेकबुक फटा है ना वैसे हम कुछ और भी फाड़ सकते हैं, समझे?
फाड़ सकते हैं बताइए तो जरा क्या फाड़ सकते हैं देखे हैं क्या है क्या 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 फाड़ सकते हैं आप ये बताइए मुझे गाइस इतना अच्छा बताइए ऑप्शन था पैसा कमाने का इतना अच्छा सब कुछ था फालतू बात बोल के लोग ना दिमाग मत दीजिए मत तो अभी मैंने एक प्रैंक किया इसके ऊपर जो मेरी कोई प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई बाप रे बाप गुस्से में से मेरा चेक फाड़ दिया इसी अकाउंट में पैसा आने वाला था उसका पूरा फाड़ दिया देखिए कैसे तहस नहस कर दिए सब कुछ देखिए नहीं देखिए कैसे फाड़ दिए सब कुछ सोचिए कि और कुछ नहीं किए समझे और कुछ नहीं किए क्या क्या किया देखने के लिए आप हमारे प्राइम वाले चैनल जो प्रीता लाइफ जो है ना उस पर देखिए क्या क्या किए क्या किए बाप रे बाप तो अच्छा हुआ कि क्या क्या अच्छा हुआ है क्या अच्छा हुआ कुछ नहीं क्या वो बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि अच्छा हुआ कि मतलब जल्दी खुलासा हो गया कि ये प्रैंक हो रहा है वरना पता नहीं क्या क्या करती है क्या आप अच्छे बताइए सच में बताइए आप मन में क्या चल रहा था कि मतलब अगर सच में ऐसा हुआ होता तो क्या सच में आप फोन ही कर देते आपका जाकर सुसाइड कर लेते ऐसे थोड़ी ऐसे कर दू तो कैसे हुई ए कुछ ना हुई तुम्हारी तो बात नहीं कुछ ना हुई जा तू जा मतलब ये डबल मीनिंग बात मत कीजिए समझे कुछ नहीं हुई मतलब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा मतलब कुछ नहीं कर सकती हो तुम बीवी का खौफ खुद ही भाग रहे हैं मेरा जो चेकबुक फाड़ रहे हैं वो दूसरा लाके दीजिए दूसरा लाके इसको क्या कीजिए आप लाके दीजिए इसका क्या करना है आप लाके दीजिए दूसरा भगवान डरपोक है हम हैं तो शुक्र कीजिए कि मेरा सा पति मिला है आपको नहीं तो आपको पीट पीट के आपका पिछोड़ा मतलब जो तो पहले लाल ही है ऊपर से नीचे तक लाल ही है क्या लाल करेंगे ऊपर लाल है मतलब जो लाल कर रहा हूं तो पहले से ऑलरेडी आपका लाल है आज बनी वीडियो वही वायरल करना है क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं हा? कुछ नहीं जाइए किचन में काम कीजिए किचन में काम कर रहे थे कौन आ रहा है चूल किसको मजा हुआ है आके ऊपर आप ही का वर्ड है जाइए जाइए काम कीजिए छोड़िए थोड़ा उससे शांत करते सब मिलते हैं प्रैंक जो हो गया है ना इस कारण से खाना नहीं बनाई अभी तक है ना क्या है खाने के लिए आज क्या बनाए खाना है क्या है रोटी बनाएंगे और क्या बस हाँ। और कुछ टेस्टी टेस्टी का कुछ नहीं बनाइएगा टेस्टी सा कुछ क्या टेस्टी है तो बाहर खाते हैं आप आजकल आज है 4 तारीख और कल है 5 तारीख तो कल जो है मेरे पापा की बरसी है इसी दिन जो है पापा हमारे बीच से बीच नहीं रहे थे 5 तारीख को तो कल का दिन बहुत ही मतलब तकलीफ भरा दिन है क्योंकि याद तो आती ही है हमेशा और अभी जो है मैंने सारे पूजा की चीज़ मैं लेके आ गया हूँ और कल जो है हम लोग पापा की फ़ोटो पे नया हार चढ़ाएंगे और जो पूजा होता है वो करेंगे नॉर्मली तो अच्छा ही लगता है इस तरीके से हालांकि हम लोग तो हंसी मजाक करने वाली फैमिली हैं करते रहते हैं लेकिन कल के दिन देखते हैं क्या होता है कल सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें भी बनाएंगे चीज़ मतलब जो नॉर्मली जो बनता है घर में खीर पूड़ी सब्जी यही ना जी
तो खीर पूड़ी सब्जी कल के दिन बनेगा और हम लोग याद करेंगे पिताजी को, क्योंकि जब से पिताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं तब से बहुत याद आती है उनकी। और मेरे पिताजी का जहाँ पे समाधि है वहाँ पे मतलब प्लानिंग था जाने का, लेकिन कुछ मतलब सारे फैमिली इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा है। देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। तो कल का दिन सुबह उठेंगे और यही पूजा पाठ करना है हमें। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में। बाय।